बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडे न्यूज़ के साथ मैं हूं शायना शम्स। आइए आज की खबर की जानिब पढ़ते हैं। आसिफ कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं जाहिद अवान। सूबाई वजीर सईद गनी, वजीर मेहनत व अफरादी कुव्वत सिंध सईद गनी ने पीर के रोज हुकूमत सिंध की जानिब से शहरियों की सहूलत के लिए वायरलेस ग्राउंड काला पुल पर लगाए गए बचत बाजार का दौरा किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ईस्ट तबरेज मरी, एसी फिरोजाबाद उमामा सोलंगी और दीगर भी उनके हमरा मौजूद थे। बचत बाजार में इस बात को यकीनी बनाया गया है कि आवाम को जरूरी अशिया की कम कीमत और सरकारी नरकों पर फराहमी यकीनी बनाया जा सके। रमजान मुबारक में आवाम को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात की फराहमी ना सिर्फ हमारा फर्ज है बल्कि बहैसियत एक मुसलमान हम सबकी अव्वलीन जिम्मेदारी है। सिंध हुकूमत की जानिब से कराची में इस तरह के 27 सस्ते बाजार बनाए गए हैं। आवाम से भी गुजारिश है कि वो इस तरह के सस्ते बाजारों में जहां सरकारी नरखों पर तमाम अशिया दस्तियाब हैं वहां से ख़रीदारी करें। इन सस्ते बाजार में कई अशिया के नरख कमिश्नर कराची के दिए गए नरखों से भी कम जबकि कई अशिया के नरख लिस्ट के ऐन मुताबिक हैं। अगर ऐसे बाजारों में आवाम का रश बढ़ता है तो सिंध हुकूमत ना सिर्फ लगे हुए बाजारों में स्टॉल्स में इजाफा कर देगी बल्कि नए बाजार भी लगाएगी। मज़ीद जानने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और Facebook पेज को लाइक करें। शायना शम्स को इजाजत दीजिए, अल्लाह नेकबान।